मेरा पूरा नाम भोजराज जानबाजी मड़के है। मैं कलमेश्वर जिला नागपुर रहता हूँ। मैं जिला परिषद में टीचर था। आज से करीब 1.5 साल पहले मेरे ये छाती में थोड़ा दर्द आया, तो हम गांव के हॉस्पिटल में गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया, ECG वगैरह वहाँ भी किया, और उन्होंने मुझे एक नागपुर के खाजगी दवाखाने में भेजा। हाँ, मैं हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी किया। उसी में मेरे ख्याल से 60 से 70% मुझे ब्लॉकेज उन्होंने बताया है, और वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का तय भी किया। उस समय मेरा ये डायबिटीज कम से कम 215 कुछ तो भी था, तो उससे भी मुझे कुछ चक्कर आने लगे थे। तो जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया और वो पंचकर्म शुरू हो गया, यानी पहले मेरे ख्याल से 14 कुछ तो भी ट्रीटमेंट हुई है, तो 14 ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा लगने लगा। और जो एक पुनः से एक चार्ट आया, यानी वो भोजन करने का चार्ट, वो चार्ट के मुताबिक मैंने अपना खान पान शुरू कर दिया, और जिससे मेरी डायबिटीज एकदम 215 से 95 95 पे आ गई है, यानी वो शुगर। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो और मैंने भी अपना एक्सरसाइज बढ़ा दिया। हर दिन मैं उस दिन से, यानी ये 1.5 साल से, हर दिन मैं सवेरे 5 बजे से 6 बजे तक घूमने जाता हूँ पैदल। उसके बाद हमारे माधवबाग से जो एक किट मिली है, उसका भी 10 मिनट तक घर में आने के बाद मैं उसका भी यूज़ करता हूँ। ट्रीटमेंट करने के पहले मेरा VO2 max 19 था, और पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद मेरा VO2 max 31 हो गया, इससे बढ़ गया। तो ये मुझे भी बड़े खुशी हो गई। हमारे डॉक्टर साहब ने उसी समय मेरा अभिनंदन किया है, और मुझे भी अच्छा लगा। ये घर में जाते समय मैंने अपने घर को, घर के लोगों को पहले बताया, वो भी यानी खुश हो गए। और मैं ये माधोबाग की सेवा उस समय से बहुत अच्छी तरह से अच्छी मिलती है, ये मेरे गांव में मैं बताने लगा। और जो भी मेरे पास संपर्क करते हैं, उससे मैं ये माधोबाग में भेजने का, नागपुर भेजने का मैं प्रयास करता हूँ। तो 1.5 साल के पहले मेरे छाती में जो दर्द था, वो तो एकदम कम ही हो गया। और बाद में पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद जो अभी मेरी तबीयत हो गई है अच्छी, तो इससे मैं बड़ा खुश हूँ। इसमें माधवबाग का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं माधवबाग का बड़ा आभारी हूँ।